श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 38वां अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सतपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते, उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूँगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गऊओं को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते हैं, वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूँगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोतों की ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूँगा, क्योंकि हरिन मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँख का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनके चिन्मय शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भूर्विलास मात्र के प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएँ धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणों का गान ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं, और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोहने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा, तब
सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरा अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्र यज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है, अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी संदिग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी, और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्म में बंधन, जिनके कारण मैं अनादि काल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों ना हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। जब मेरा जीवन सफल हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है, ना तो कोई अप्रिय, ना तो उनका कोई आत्मीय सुहृदय है और ना तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वाले को उसकी मुँह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूप में भेजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों के ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनित भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्वलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुँच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा जिनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी, उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने आप को संभाल ना सके, विहल हो गए। प्रेम के वेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूद कर उस धूली में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसे ही भाव संपादन करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान पर विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलाम्बर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा,
वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन लेप किया था। परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा कि जगत के आदि कारण जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र के आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावत गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी ना बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों से उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुर पर आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर और श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रिय राम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्ने नन्ने बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं। फिर आप सुखी हैं? यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 38वां समाप्त।